यूसुफ खान शारी वेलकम बैक टू तो अनदर अपडेट ऑन पाकिस्तान क्रिकेट स्टेडियम नेशनल स्टेडियम कराची में कौन कौन सी तब्दीलियां हो सकती हैं नेशनल स्टेडियम कराची की क्या सारी की सारी रूप तब्दील होगी या चेयर की इंस्टॉलेशन होगी वहां पर क्या क्या काम किया जा सकता है व्यूवर्स आप लोगों को मालूम ही होगा मैंने एक पिछली अपडेट आपको शेयर की थी कजाफ़ी स्टेडियम लाहौर के हवाले से वहाँ पे मैंने आपको बताया भी था कि कजाफी स्टेडियम लाहौर का मॉडल किस तरह का बनाया जा सकता है और उसी तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसको अभी तक फॉलो भी किया हुआ है कि कजाफ़ी स्टेडियम लाहौर में जो जो चीज़ें मैंने आपको मेन चीज़ें बताई थी कि फ़ज़ल महमूद इंक्लोजर और इमरान खान इंक्लोजर वहाँ पर उनको स्टैंड को गिरा दिया जाएगा उसकी रूफ़ जब तब्दील की जाएगी ये एक पूरी की पूरी जो है वो एक ही बिल्डिंग बनाई जाएगी तो उसी तरह से अब इमरान खान इंक्लोजर और फ़जल महमूद इंक्लोजर को फुल्ली तौर पर अब जो है उसकी रूफ़ को हटा दिया गया है और इसी के साथ अब इसके जो स्टैंड्स हैं इन पर भी तोड़फोड़ का काम शुरू कर दिया जाएगा और इसके बाद अब एक और स्टैंड जो कि स्क्रीन वाला स्टैंड था उसको भी जल्द ही जो वो गिराने का अमल शुरू कर दिया जाएगा व्यवर्स इसी के साथ साथ नेशनल स्टेडियम कराची की बात की जाए कि नेशनल स्टेडियम कराची में कौन कौन सी चेंजेस हो सकती है तो नेशनल स्टेडियम कराची में जो सबसे बड़ी तब्दीली की जाएगी वो चेयर्स की की जाएगी बहुत सारे ऐसे स्टैंड हैं जहाँ पर बहुत ही ज्यादा खस्ता हाल चेयर हो चुकी है तो इन तमाम चेयर्स को वहां से हटाया जाएगा और न्यू चेयर इंस्टॉलेशन की जाएगी और एक अच्छी लुक दी जाएगी स्टेडियम को और इसके अलावा एक ऐसा स्टैंड भी है जहाँ पर स्क्रीन लगी हुई है और स्कोडबोर्ड वाला बोर्ड लगा हुआ है तो जिसकी वजह से स्पेक्टेटर्स को एक अच्छा व्यू नज़र नहीं आता मैच के दौरान और कुछ स्टैंड्स ऐसे हैं जहाँ पर रूफ़ बहुत ही ज़्यादा नीचे की जानब है और वहाँ पर जो स्टैंड्स है वो बहुत ही ज़्यादा पीछे की जानीब है तो जिसकी वजह से मैच को वो सही तरीके से इन्जॉय नहीं कर पाते तो इन तमाम स्टैंड्स की जो रूफ़ है वो तब्दील की जाएगी लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी पैदा होता है कि अगर तीन से चार स्टैंड्स की रूफ़ तब्दील कर भी दी जाए तो बाकी स्टैंड्स का क्या अगर बाकी स्टैंड्स की रूफ़ सेम हो और ये तीन चार स्टैंड की जो रूफ़ है ये सेम हो तो क्या स्टेडियम को लुक अच्छा नज़र आएगा बिल्कुल भी नहीं तो इस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये ज़रूर चाहेगा कि नेशनल स्टेडियम कराची की पूरी की पूरी रूफ़ को तब्दील किया जाए लेकिन इसकी रूफ़ का जो फैसला है वो कजाफी स्टेडियम लाहौर के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पर कितनी जल्दी काम मुकम्मल होता है जैसे ही वहाँ पर जल्दी काम मुकम्मल होगा तो यहाँ पर रूफ़ भी तब्दील हो सकती है और भी बहुत बड़े बड़े यहाँ पर काम हमें दिखाई दे सकते हैं लेकिन फिल वक्त चेयर की इंस्टॉलेशन की जा सकती है स्क्रीन को हटाया जा सकता है स्कोरबोर्ड वाले पोर्शन को हटाया जा सकता है वहाँ पर न्यू बिल्डिंग बनाई जा सकती है और रूफ का अभी फैसला होना बाकी है क्योंकि रूफ़ अभी तब्दील की जा भी सकती है और नहीं भी की जा सकती क्योंकि टाइम बहुत कम है अगर टाइम रहा तो रूफ भी तब्दील हो जाएगी तो वीवर ये थी मेरी आज की अपडेट उम्मीद है आप लोगों को अपडेट अच्छी लगी होगी अगर अपडेट अच्छी लगे तो याद चैनल कर दें सब्सक्राइब वीडियो कर दो लाइक कॉमेंट और शेयर करना मत भूलें